गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वंस अगेन वेलकम बैक इन सोशल साइंस सब्जेक्ट लाइव क्लास फॉर स्टैंडर्ड 8। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, एज ऑल ऑफ यू नोज दैट करंटली वी आर डिस्कसिंग इन आवर सब्जेक्ट हिस्ट्री चैप्टर नंबर 3। ओके, व्हाट इज द नेम ऑफ द चैप्टर? आरुष कुमारे, व्हाट इज द नेम ऑफ द चैप्टर? रूलिंग द कंट्री साइड। हेलो, एम आई ऑडिबल? यस सर, यस सर, यस सर। ओके, सो स्टूडेंट्स, यस्टरडे आई हैव शोन यू अ वीडियो, है ना, दैट हाउ द इंडिगो इज प्रोड्यूस्ड। Yesterday we have seen the video how the indigo is produced. Yes, sir. Okay. Yes, sir. So, well, that was a process of indigo production. And after that, okay, we discuss on one of the way for cultivation of indigo, and that is what we have discussed about. The niche cultivation, then we also discuss about what were the problems in the niche cultivation system of indigo plantation, है ना? So कल तक की जो हमारी क्लास थी उसमें हमने किसके बारे में, प्रॉब्लम इन द इंडिगो कल्टिवेशन के बारे में डिस्कस किया था, एंड द लास्ट पैराग्राफ दैट वी डिस्कस अबाउट इज दिस वन, है ना? So, what was the last thing that we discussed? The last thing that we discussed was this. Less than 25% of the land producing indigo was under which system? Niche cultivation. Okay? So, less than 25% kiske under mein tha? Niche cultivation. The rest. Rest means the remaining 75% of indigo cultivation was in rayati system. Yes, Anushka Roy, do you want to say something? No, sir. Okay. So, yes, Vedashri and Pragya. Yes, sir. Yes, sir. Am I audible now? Yes, sir, you are audible. Good, good. So, now let us continue from the portion or the section that we left yesterday, okay? So the portion is indigo on the land of Rayat. What is the portion? Indigo on the land of Rayat, okay? Now, what are we going to discuss in this system? इस सिस्टम में हम क्या पढ़ेंगे, क्या डिस्कस करेंगे? Okay, so under the रैयती system, the planters force the रैयत to sign a contract. What is a contract? It is an agreement. Okay, so niche cultivation हमने डिस्कस किया. Now we are discussing about the रैयती cultivation. So what is रैयती सिस्टम? अंडर द रैयती सिस्टम द प्लांटर्स फोर्स द रैयत टू साइन ए कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज व्हाट एन एग्रीमेंट. जो रैयती सिस्टम था, रैयती सिस्टम में क्या होता था? द प्लांटर फोर्स द रैयत टू साइन ए कॉन्ट्रैक्ट. प्लांटर्स जो थे किसानों के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करते थे, एग्रीमेंट करते थे. यहां तक बात आ रही है समझ में? अर्पिता गुजर? यस सर. ओके, आरुष कुमारे? यस सर. ओके, आध्या पिल्ले? स्विच ऑन योर वीडियो आध्या. आध्या एंड गौरी लांडगे, वीडियो ऑन करो. सो एट टाइम्स they pressurize the village headman
to sign the contract on behalf of the rayer. ठीक है, so at times मतलब अक्सर, कई बार planters क्या करते थे, village headman. Village headman बोले तो गांव का मुखिया. What is village headman? What is village headman? गांव का मुखिया है ना, जो नॉर्मली उस गांव का सबसे अमीर और इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति होता था. सो दे प्रेशराइज अ विलेज हैंडमैन टू साइन द कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द रैयत. तो गांव के मुखिया को वो प्रेशराइज करते थे कि रैयत के बिहाफ पर कौन कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा, द विलेज हैंडमैन. दोज हु साइन द कॉन्ट्रैक्ट got cash advance from the planters. तो जो लोग क्या करते थे, contract sign करते थे कि हाँ हम आपके लिए indigo cultivation करेंगे. तो जो भी contract sign करेगा, it got cash advance from the planter. वो planters से उसको क्या मिलता था, cash advance मिलता था at low rate of interest. टू प्रोड्यूस, इन्हें कुल मिलाकर कॉन्ट्रैक्ट साइन किया तो किसान को प्लांटर्स क्या करेंगे, पैसा देंगे. ठीक है, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, इन्हें ब्याज कम लगेगा और बदले में जो फार्मर है वो अपने खेत में क्या प्रोड्यूस करेगा, इंडिगो प्रोड्यूस करेगा. यहां तक बात आई समझ में गुरुत्व साल्वे? Yes, sir. Okay. So the loan committed the rayer to cultivating indigo on at least 25% of the area under his holding. जो loan मिलता था तो वो loan इस शर्त पर मिलता था कि रैयत मतलब किसान अपने खेती की जमीन के 25% पर क्या करेगा, 25% पर इंडिगो कल्टीवेशन करेगा. ओके, व्हाट इज 25% हियर? फॉर एग्जांपल, इफ द फार्मर हैज हाउ मच एकड़ ऑफ लैंड, 4 एकड़, हाउ मच बेटा, 4 एकड़. किसान के पास मान लो 4 एकड़, किसान के पास मान लो 4 एकड़ जमीन है, तो 25% का मतलब 1 एकड़ जमीन पर, 1 एकड़ लैंड पर फार्मर क्या करेगा, इंडिगो कल्टीवेशन करेगा. सो ऑन 1 एकड़ ऑफ लैंड द फार्मर वाज सपोज्ड टू डू इंडिगो कल्टीवेशन. ओके, नाउ दिस इज व्हाट द रैयती सिस्टम. ठीक, द प्लांटर प्रोवाइडेड द सीड एंड द ड्रिल व्हाइल द कल्टीवेटर प्रिपेयर्ड द सॉइल, sowed the seed and look after the crop. अब loan देने के अलावा planters क्या करेगा, it provided the seed. तो planter indigo के seed provide करेगा, उसकी drill यानी खेती करने के instrument provide करेगा. cultivator मतलब किसान, किसान prepared the soil, खेत तैयार करेगा by plugging the field, sow the seed, सीड सोइंग करेगा एंड लुक आफ्टर द क्रॉप, और पूरी फसल की देखभाल करेगा. ठीक है, नाउ दैट वाज व्हाट द सिस्टम ऑफ इंडिगो प्रोडक्शन. ठीक है, ये क्या था, रैयती कल्टीवेशन था. ठीक, नाउ अब फसल तैयार हो गई, फसल क्या हो गई, तैयार हो गई, तैयार हो गई, रेडी फॉर हार्वेस्टिंग है ना. तो जैसे कल हमने देखा था ना, फसल जब तैयार होगी तो उसको काट लेंगे. तो व्हेन द क्रॉप वाज डिलीवर्ड टू द प्लांटर आफ्टर द हार्वेस्ट, हार्वेस्ट करके फसल काट कर क्रॉप किसको दे दी, प्लांटर को दे दी. अ न्यू लोन वाज गिवन टू द रैयत, अगली फसल के लिए रैयत को फिर से क्या दे दिया जाएगा, लोन दे दिया जाएगा. एंड दस द साइकिल स्टार्टेड ऑल ओवर अगेन. तो ये पूरा का पूरा साइकिल चलता रहता था. लोन ले, इंडिगो कल्टीवेशन करेगा,
फसल कट गई, प्लांटर को फसल दे दी, उसमें से रैयत को जो भी फायदा मिला उतना बेनिफिट मिलेगा, ठीक, और फिर से अगली फसल के लिए क्या मिल जाएगा, लोन मिल जाएगा। सो पेजेंट्स हु वेर इनिशियली टेम्प्टेड बाय द लोन्स सून रियलाइज हाउ हार्श द सिस्टम वॉज। सो पेजेंट्स हु वेर इनिशियली टेम्प्टेड, इनिशियली मतलब शुरुआत में, गुरुत्व साल्वे, इज माई वॉइस कमिंग? Yes, sir. Okay. Now, sometimes the net connectivity is fluctuated. कभी कभी गड़बड़ हो जाती है, ठीक है? So, if I am being disconnected, यदि मैं आप लोगों से disconnect हो जाऊं, तो immediately, okay, chat box में message भेज देना, ठीक है? So, I will read that message in chat box. Okay? Thank you, sir. So the price they got for the indigo they produced was very low, and the cycle of loans never ended. So, जो farmer जो indigo produce करता था, है ना, कि उसने पूरा किया और बदले में उसको क्या मिलेगा, indigo का पैसा मिलेगा। तो जो कीमत loan वगैरह काट करके finally farmer को मिलती थी, the final price they got was very low, and therefore they were forced to take the loan again. So farmers ko jo keemat milti thi wo bahut kam milti thi, isliye kya hota tha, they were forced to take the loan again, unhe fir se kya lena padta tha, loan lena padta tha, and because of that the cycle of loan never ended. लोन का जो चक्र था वो कभी भी खत्म नहीं होता था, यानी एक बार जो लोन लेकर के फंस गया वो हमेशा के लिए फंस गया। There were other problems too. और भी बहुत सारी समस्याएं थी, कौन कौन सी, the planters usually insisted that indigo be cultivated on the best soil in which peasants prefer to cultivate राइस। अब ये लोन वाली प्रॉब्लम के अलावा वन मोर प्रॉब्लम बस है, कौन सी थी, कि प्लांटर्स यूजुअली इंसिस्टेड, जो प्लांटर्स थे, जो यूरोपियन प्लांटर्स थे, वो किसान को इस बात के लिए मजबूर करते थे कि किसान इंडिगो अपने उस खेत में लगाएगा जिसकी फर्टिलिटी सबसे अच्छी है, है ना। सो फार्मर के पास दो या तीन खेत थे, खेत बड़ा है छोटा है ना, तो ये क्या करते थे, फार्मर्स को मजबूर करते थे कि उस खेत में अपनी फसल लगाओ जहां पर सॉइल सबसे अच्छी है, तो उपजाऊ जमीन में क्या फसल लगाने के लिए मजबूर करते थे। इंडिगो मोर ओवर हैड डीप रूट्स एंड इट एग्जॉस्टेड द सॉइल रैपिडली। इंडिगो हैज डीप रूट, इंडिगो को जो फसल थी उसकी जड़ें काफी गहरी जाती थी, इसलिए इट एग्जॉस्टेड द सॉइल रैपिडली। इंडिगो जो थी वो सॉइल की फर्टिलिटी को बहुत जल्दी खत्म कर देती थी। आफ्टर एन इंडिगो हार्वेस्ट द लैंड कुड नॉट बी सोन विथ राइस। इंडिगो हार्वेस्ट यानी इंडिगो की खेती के बाद द लैंड कुड नॉट बी सोन विथ राइस, उस जमीन पर चावल की फसल अच्छे से पैदा नहीं होती। तो फार्मर क्या करता था, फार्मर जो है वो अपनी उपजाऊ जमीन पर, फर्टाइल सॉइल पर इंडिगो की खेती नहीं करेगा। युगांत यहां तक बात आई समझ में? यस सर। ओके, यश काले, कपिल श्रीवास्तव, कपिल श्रीवास्तव, मानविक सिंह, मानविक सिंह, यस सर, स्विच ऑन योर वीडियो, वीडियो ऑन करो जरा।
ठीक है. सो यहां तक बात आ गई समझ में? Isn't there any doubt? No sir, no doubt. No sir, no doubt. So let us proceed to the next topic. So as we have seen that in case of rayati cultivation, तो अभी जो ऊपर का टॉपिक था उसमें हमने क्या डिस्कस किया कि इन केस ऑफ रैयती कल्टीवेशन, तो रैयती कल्टीवेशन के केस में द प्लांटर्स हैड नंबर ऑफ प्रॉब्लम, जो फार्मर्स थे दे हैड टू फेस लॉट ऑफ प्रॉब्लम. फार्मर्स को बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी परेशानियां फेस करना पड़ती थी. ठीक है. सो The farmers finally decided to do the revolt against this system of cultivation. जो farmers थे वो मजबूर हो गए और उन्होंने ये decide किया कि वो लोग क्या करेंगे, वो लोग इस रैयती cultivation के against में revolt करेंगे. Is it clear? नित्या वडस्कर, नित्या एंड शिवगंगा. चलिए. सो द ब्लू रेबेलियन एंड आफ्टर. सो दिस पर्टिकुलर टॉपिक द ब्लू रेबेलियन एंड आफ्टर, व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस, we will discuss that due to the oppressive system of rayati cultivation ke us oppressive system ke karan, rayati cultivation ke us oppressive system ke karan kya hua, farmers ne kiske against mein, is indigo plantation system ke against mein रिबेलियन, विद्रोह कर दिया, है ना. वो जो रिबेलियन है वी रीड अंडर दिस टॉपिक द ब्लू रिबेलियन. व्हाई द नेम ऑफ द रिबेलियन इज गिवन ब्लू रिबेलियन, बिकॉज व्हाट कलर इज गिवन बाय द इंडिगो? ब्लू. इंडिगो से कौन सा कलर मिलता है? ब्लू. इसलिए इसको क्या नाम दिया गया? ब्लू रिबेलियन. क्या नाम दिया गया? ब्लू रिबेलियन. ठीक है. गुड. इन सम प्लेसेस दिस ब्लू रिबेलियन इज कॉमनली कॉल्ड एज इंडिगो रिवॉल्ट. बहुत सारी जगहों पर इस ब्लू रिबेलियन को और क्या कहा जाता है? इंडिगो रिवॉल्ट. इंडिगो रिवॉल्ट. एट मेनी प्लेसेस इट इज आल्सो कॉल्ड एज इंडिगो रिवॉल्ट. सो इंडिगो रिवॉल्ट और ब्लू रिबेलियन दोनों सेम चीज है. ठीक है. सो हम इसमें बेसिकली क्या डिस्कस कर रहे हैं कि रैयती या रैयत ने इंडिगो कल्टिवेशन करने के अगेंस्ट में रिवॉल्ट किया और उसके बाद क्या क्या हुआ. ठीक. सो इन मार्च 1859 विच ईयर? मार्च 1859 थाउजेंड्स ऑफ रैयत इन बंगाल रिफ्यूज्ड टू ग्रो इंडिगो. हजारों की संख्या में बंगाल में जो रैयत थे उन्होंने इंडिगो ग्रो करने से मना कर दिया. एज अ रेबेलियन स्प्रेड रैयत्स रिफ्यूज टू पे रेंट टू द प्लांटर. जब रेबेलियन स्प्रेड हुआ, विद्रोह और फैलने लगा, रैयत रिफ्यूज टू पे रेंट टू द प्लांटर्स. रैयत ने क्या करना शुरू किया? प्लांटर्स को
ठीक है, उनका लोन वापस देने से मना कर दिया। ठीक, बहुत सारे रैयत ने अपनी खेती की जमीन प्लांटर्स को किराए पर देने से मना करना शुरू किया। नाउ दे अटैक्ड इंडिगो फैक्ट्रीज आर्म्ड विद सोर्ड्स एंड स्पीयर्स बोज एंड एरोज। ठीक, बहुत सारी जगहों पर किसानों ने, रैयत मतलब किसान या फार्मर, फार्मर, ठीक है, सो व्हाट द फार्मर्स डिड, ठीक, सो दे रिफ्यूज्ड एंड दे अटैक्ड इंडिगो फैक्ट्रीज आर्म्ड विद सोर्ड्स एंड स्पीयर्स, है ना, अपनी तलवारें, कुल्हाड़ी, तीर कमान के साथ उन्होंने क्या कर दिया, अटैक कर दिया। Women turned up to fight with pots, pans and kitchen implement. महिलाओं ने भी योगदान दिया, मिट्टी के घड़े उठा लिए, घर का बर्तन उठा लिया, ने जो मिला हाथ में लेकर के, and they attacked on the indigo factory. Those who worked for the planters were socially boycotted. वे लोग जो प्लांटर्स के लिए काम करते थे, है ना, उनका सोशल बायकॉट किया गया। सोशल बायकॉट मतलब जो लोग भी प्लांटर्स का साथ देंगे उनसे, दीज पीपल द विलेजर्स डिड नॉट टॉक, दे डिड नॉट हैव एनी कॉन्टेक्ट, ना बातचीत करना, ना किसी भी प्रकार का कोई सामान एक्सचेंज करना। द गुमाश्तास हु वेर द एजेंट ऑफ प्लांटर who came to collect rent were beaten up. जो गुमाश्तास थे, है ना, गुमाश्ता मतलब प्लांटर्स के एजेंट, तो प्लांटर्स के जो एजेंट थे जो लोन वसूल करने के लिए आते थे उनकी कई बार गांव में पकड़कर पिटाई करी गई। रैयत सोर दे वुड नो लॉन्गर टेक एडवांटेज एडवांसेस टू सो इंडिगो नॉर बी बुलीड बाय द प्लांटर्स लिटियल। ओके, अब जो रैयत थे, किसान जो थे, उन्होंने तो इस बात की कसम खा ली थी कि अब हम कभी भी प्लांटर्स से इंडिगो ग्रो करने के लिए कोई एडवांस नहीं लेंगे, ठीक है, और प्लांटर्स के जो लठैत हैं, गुंडे हैं, उनसे भी अब हम डरने वाले नहीं है। यदि हमें डराओगे, ज्यादा परेशान करोगे, तो आपकी बार आप पिटोगे ही पिटोगे। ठीक, नाउ आखिर ऐसा क्यों हुआ, why the farmers did the revolt, किसानों ने इतना बड़ा रिवॉल्ट करने का डिसीजन कैसे ले लिया, ठीक है, सो हु और व्हाट गेव देम द पावर टू रिवेल, किसानों के अंदर इस रिवॉल्ट करने की, रिबेल करने की हिम्मत कहां से आई। योगेश्वरी, इज माय वॉइस इज कमिंग? यस सर। ओके, यस सर। सो यस सर, द इंडिगो सिस्टम वॉज इंटेंसिवली ऑप्रेसिव। ये बात तो पक्की थी कि जो इंडिगो कल्टीवेशन का सिस्टम था, इट वॉज इंटेंसली ऑप्रेसिव, काफी ज्यादा ऑप्रेसिव था। बट दोज हु आर ऑप्रेस्ड डू नॉट ऑलवेज राइज अप इन रिबेलियन। वे लोग जो ऑप्रेस्ड थे, परेशान थे, जरूरी नहीं है कि वो हमेशा क्या करें, रेबेलियन करें। ठीक, यानी जब व्यक्ति परेशान होता है तो हर परेशान व्यक्ति, हर ऑप्रेस्ड पर्सन रेबेलियन करने में सक्षम नहीं होता। हर ऑप्रेस्ड पर्सन रेबेलियन करे ये जरूरी नहीं है। दे डू सो ओनली एट टाइम्स, तो कई बार उन्हें ऐसी परिस्थिति, पॉजिटिव साइन मिलेंगे, देन ओनली दे वर एबल टू डू द रिवॉल्ट। ओके, सो इन 1859 द इंडिगो रैयत फेल्ट दैट दे हैड द सपोर्ट ऑफ द लोकल जमींदार एंड विलेज हेडमैन इन देयर रेबेलियन अगेंस्ट द प्लांटर। जो इंडिगो रैयत थे, वे किसान जो इंडिगो कल्टीवेशन करते थे, है ना, उनको 1859 के आसपास
जो घटनाएं हो रही थी, जो एक्टिविटीज हो रही थी, सो उन एक्टिविटीज के कारण उनको ऐसा लगा कि व्हाट हैपेंस, दे हैड द सपोर्ट ऑफ लोकल जमींदार एंड विलेज हेडमैन. उन्हें किसका सपोर्ट मिल सकता है? लोकल जमींदार और विलेज हेडमैन का सपोर्ट मिल सकता है. गेट द पॉइंट? तो कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिससे इंडिगो रैयत को ऐसा लगा कि यदि वो लोग प्लांटर्स के खिलाफ कुछ करते हैं, देन दे वुड गेट द सपोर्ट ऑफ विलेज हेडमैन. उन्हें किसका? लोकल जमींदार और विलेज हेडमैन का क्या मिल सकता है? सपोर्ट मिल सकता है. गॉट इट? ओके, नाउ क्यों ऐसा हुआ? इन मैनी विलेजेस, ओके, हेडमैन हु हैड बीन फोर्स्ड टू साइन इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट मोबिलाइज इंडिगो पीजेंट एंड फॉट पिस्ट बैटल विद द लठिया. बहुत सारे गांवों में, ठीक है, जो विलेज हेडमैन थे वो भी इस इंडिगो प्लांटेशन सिस्टम से बड़े परेशान हो गए थे. इसलिए दे मोबिलाइज इंडिगो पीजेंट. जो विलेज हेडमैन थे, गांव का जो मुखिया था, उसी ने किसानों को इकट्ठा किया और इन लठियाल के साथ में क्या किया? लड़ाई लड़ी. इन अदर प्लेसेस इवन द जमींदार्स वेंट अराउंड विलेजेस अर्जिंग द रैयत टू रेसिस्ट द प्लांटर्स. बहुत सारी जगहों पर जो जमींदार थे उन्होंने भी गांव के लोगों को इकट्ठा किया. किसके खिलाफ? प्लांटर्स के खिलाफ. Now why the zamindar did so? These zamindars were unhappy with the increasing power of planter and angry at being forced by the planter to give them land on long leases. तो जमींदारों ने भी किसानों को इस बात के लिए एनकरेज किया कि दे वुड डू द रिवॉल्ट अगेंस्ट द इंडिगो प्लांटर्स, है ना. तो क्यों किया? क्योंकि जमींदार जो थे वो भी इस बात को पसंद नहीं कर रहे थे कि प्लांटर्स की जो पावर है वो तेजी से क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, ठीक है. दे वर नॉट हैप्पी विद द इंक्रीजिंग पावर ऑफ द प्लांटर्स, ठीक है. जो प्लांटर्स थे, प्लांटर्स की जो पावर इतनी तेजी से इंक्रीज हो रही थी, ठीक है, तो इससे कौन खुश नहीं थे? जमींदार खुश नहीं थे. इज इट क्लियर अप टू हियर? यस सर. यस सर. जस्ट अ मिनट बेटा. वेल, ओके. सो प्लांटर्स जो थे, जमींदार भी जो यूरोपियन प्लांटर्स थे, उनसे बहुत ज्यादा परेशान थे, क्योंकि दिन ब दिन प्लांटर्स की पावर, प्लांटर्स का कंट्रोल उनके एरिया में बढ़ रहा था. दे वर एंग्री एट बीइंग फोर्स्ड बाय द प्लांटर. कई बार प्लांटर्स जो थे जमींदारों तक को फोर्स करते थे कि वो अपनी जमीनें किसको दें? प्लांटर्स को दें. द इंडिगो पीजेंट ऑल्सो इमेजिन दैट द ब्रिटिश गवर्नमेंट वुड सपोर्ट दैम इन देयर स्ट्रगल अगेंस्ट द प्लांटर. जो इंडिगो पीजेंट थे उनको भी न जाने कहां से ऐसा लगने लगा कि यदि हम इस समय पर प्लांटर्स के खिलाफ कुछ करेंगे, देन द ब्रिटिश गवर्नमेंट वुड सपोर्ट दैम. तो हो सकता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का भी हमें क्या मिले? सपोर्ट. So after the revolt of 1857, the British government was particularly worried about the possibility of another population revolt. ऐसा क्यों था? क्योंकि दो साल पहले ही, कितने साल पहले? दो साल पहले 1857 में there was a first war of independence in India. तो जो British government थी वो इस चीज को लेकर बड़े परेशान थी कि एक ऑल इंडिया लेवल का बहुत बड़ा रिवॉल्ट ऑलरेडी द गवर्नमेंट वॉज फेसिंग. तो गवर्नमेंट इस बात को लेकर के चिंता में थी कि कहीं एक नया रिवॉल्ट और ना हो जाए. सो व्हेन द न्यूज स्प्रेड ऑफ अ सिमरिंग रिवॉल्ट इन द इंडिगो डिस्ट्रिक्ट, इसलिए
जब इंडिगो डिस्ट्रिक्ट मतलब जिन इलाकों में क्या हुआ, इंडिगो की खेती हो रही थी, है ना, वहां पर जब इस बात की खबर पहुंची कि क्या है, फार्मर्स जो हैं वो रिवॉल्ट कर रहे हैं, तो रिवॉल्ट की जब खबर वहां पर पहुंची, द ल्यूटिनेंट गवर्नर टूर्ड द रीजन इन द विंटर ऑफ 1859, तो बंगाल के आसपास के जो प्रोविंस थे वहां पर जो कंट्रोलिंग ऑफिसर थे ल्यूटिनेंट गवर्नर, ठीक है, उन्होंने क्या उन इलाकों का टूर, टूर का मतलब होता है दौरा करना, जाना, ठीक है, टूर को बोलते हैं क्या, व्हाट इज टूर, दौरा करना, दौरा करना मतलब चेक करना, दौरा करना, ठीक है। सो द ल्यूटिनेंट गवर्नर टूर द रीजन इन द विंटर ऑफ 1859 के सर्दियों के मौसम में इस कंडीशन को देखने के लिए जो बहुत बड़े अंग्रेज ऑफिसर थे ल्यूटिनेंट गवर्नर वो उन इलाकों में गए। द रियस सॉ द टूर एज अ साइन ऑफ गवर्नमेंट सिंपैथी फॉर देयर प्लाइट, ठीक है। अब जब ल्यूटिनेंट गवर्नर ने उन इलाकों का टूर किया, दौरा किया, तो रैयत को क्या लगा, किसान थे, किसानों को ऐसा संदेश गया, किसानों को ये समझ में आया कि गवर्नमेंट जो है वो उनकी परेशानियों में, उनकी प्रॉब्लम में उनके साथ खड़ी है। ओके, सो व्हेन इन बरसात, बरसात मींस रेनी सीजन, अगेन द मैजिस्ट्रेट एशले ईडन issued a notice that Rayat would not be compelled to accept indigo contract, ठीक है। तो जो lieutenant governor थे, lieutenant governor ने जो भी report दी, उस report के base पर जो magistrate थे, judge थे, what was the name of the judge? Ashley Eden. हाँ, so जो magistrate थे, Ashley Eden ने नोटिस मतलब ऑर्डर निकाला, तो मजिस्ट्रेट ने एक ऑर्डर निकाल दिया कि रैयत वुड नॉट बी कंपेल्ड टू एक्सेप्ट इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट। अब रैयत को यानी किसानों को इस बात के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा कि वो क्या करें, कॉन्ट्रैक्ट करें, ठीक है। वर्ड वेंट अराउंड दैट क्वीन विक्टोरिया हैड डिक्लेयर्ड That indigo need not be so. ठीक, अब ऑर्डर निकाला था एशले ईडन ने, किस चीज का ऑर्डर निकाला था, कि रैयत को यानी किसानों को इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। परंतु ऑर्डर तो निकाला था एशले ईडन ने, और गांव तक खबर क्या पहुंच गई, गांव तक खबर ये पहुंची, इंग्लैंड की महारानी ने ये डिक्लेयर किया है कि इंडिगो की खेती करनी ही नहीं। ठीक, नाउ एडन वाज ट्राइंग टू प्लेसेट द पीजेंट एंड कंट्रोल एन एक्सप्लोसिव सिचुएशन, बट हिज एक्शन वाज रीड एज सपोर्ट फॉर द रेबेल। ईडन ने जो ऑर्डर निकाला था वो इसलिए निकाला था कि जो पीजेंट्स और फार्मर्स हैं, किसान जो हैं, उनको थोड़ा सा हम उनका गुस्सा शांत कर दें, ताकि ये जो कंडीशन है, ये जो रिवॉल्ट है, एक बहुत बड़े रिवॉल्ट में कन्वर्ट ना हो जाए। इसलिए एशले ईडन ने एक छोटा सा नोटिस निकाल दिया, परंतु उस छोटे से नोटिस का जो मैसेज है, जो संदेश है, वो बहुत अलग निकला। सो हिज एक्शन वॉज रेड एज सपोर्ट फॉर द रेबेलियन, उसका जो एक्शन है उसको क्या माना गया, किसानों तक इस बात का क्या मैसेज गया कि द गवर्नमेंट इज आल्सो सपोर्टिंग द रैयत। एज अ रेबेलियन स्प्रेड, इंटेलेक्चुअल्स फ्रॉम कलकत्ता रश टू द इंडिगो डिस्ट्रिक्ट, दे रोट ऑफ द मिजरी ऑफ द रैयत, द टायरनी ऑफ द प्लांटर एंड द हॉरर्स ऑफ द इंडिगो सिस्टम। यस, इंटेलेक्चुअल बताता हूं, एज अ रेबेलियन स्प्रेड, रेबेलियन मतलब जैसे जैसे विद्रोह, किसानों का विद्रोह एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे गांव से तीसरे गांव, बड़े इलाके में फैला,
ठीक है, इंटेलेक्चुअल फ्रॉम कैलकटा रस्ट टू द इंडिगो डिस्ट्रिक्ट। इंटेलेक्चुअल का मतलब होता है एजुकेटेड पीपल, पढ़े लिखे लोग। व्हाट इज इंटेलेक्चुअल? व्हाट इज जो पढ़े लिखे लोग हैं, एजुकेटेड पीपल, जो लोग वकील थे, बड़े बड़े लॉयर्स थे, ठीक है जी। सो जब रेबेलियन और भी ज्यादा फैला तो क्या हुआ, कैलकटा से बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स इंडिगो डिस्ट्रिक्ट मतलब उन इलाकों में गए जहां पर इंडिगो की खेती होती थी। दे डिस्कस विद द रैयत, दे डिस्कस विद द विलेज हेडमैन एज वेल एज द जमींदार, एंड दे केम टू नो कि हाउ मच प्रॉब्लमेटिक द सिस्टम ऑफ इंडिगो कल्टीवेशन इज। नाउ दे रोट ऑफ द मिजरी ऑफ द रैयत, इन्होंने रैयत की जो मिजरी थी, रैयत की परेशानी के बारे में लिखा। दे रोट अबाउट द टायरनी ऑफ द प्लांटर्स, द प्लांटर्स थे वो किस प्रकार का अत्याचार करते थे, उसके बारे में न्यूज़पेपर्स में लिखा। ठीक, वरीड बाय द रेबेलियन द गवर्नमेंट ब्रॉट इन द मिलिट्री टू प्रोटेक्ट द प्लांटर्स फ्रॉम असॉल्ट एंड सेट अप इंडिगो कमीशन टू एनक्वायर इन टू द सिस्टम ऑफ इंडिगो प्रोडक्शन। वरीड बाय द रेबेलियन, जब ये रेबेलियन इतना ज्यादा फैल गया तो जो गवर्नमेंट थी, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, वो वरीड हुई, बड़ी परेशान हुई। द गवर्नमेंट ने क्या किया, द गवर्नमेंट ब्रॉट इन द मिलिट्री टू प्रोटेक्ट द प्लांटर्स। गवर्नमेंट ने यूरोपियन प्लांटर्स के प्रोटेक्शन के लिए, यूरोपियन प्लांटर्स की रक्षा के लिए मिलिट्री को बुलवाया और हर एक प्लांटर्स को 2 सिपाही, 4 सिपाही, 5 सिपाही दिए, ठीक है, ताकि उनके ऊपर कोई अटैक हो तो उनकी जान बचाई सके, बचाई जा सके। एट द सेम टाइम दे सेट अप द इंडिगो कमीशन। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक अथॉरिटी एस्टेब्लिश किया, इंडिगो कमीशन एस्टेब्लिश किया टू एंक्वायर इनटू द सिस्टम ऑफ इंडिगो प्रोडक्शन, ताकि इस इंडिगो प्रोडक्शन का जो सिस्टम है उसकी क्या की जा सके, जांच की जा सके। तो कमीशन ने काफी दिनों तक क्या किया, इस सिस्टम की जांच की कि आखिर क्या समस्या है, रिवॉल्ट क्यों हो रहा है, फार्मर्स क्यों परेशान। ठीक, कमीशन ने अपनी पूरी जांच करी। नाउ द कमीशन हैड द प्लांटर्स गिल्टी एंड क्रिटिसाइज देम फॉर द कोर्सिव मेथड दे यूज विद इंडिगो कमीशन। जो कमीशन था, इंडिगो कमीशन, ठीक है, उसने उस पूरे सिस्टम को चेक किया कि क्या प्रॉब्लम है। तो व्हाट दे फाउंड, उन्होंने ये पाया कि प्लांटर्स आर गिल्टी, जो इंडिगो प्लांटर्स हैं वाकई में उनकी गलती है। सो दे क्रिटिसाइज देम फॉर द कोर्सिव मेथड दे यूज विद इंडिगो कल्टीवेटर। कमीशन ने इस बारे में लिखा कि इस पूरे रेबेलियन में रैयत की उतनी गलती नहीं है, सबसे ज्यादा गलती, सबसे ज्यादा गलत कौन है, प्लांटर्स हैं, ठीक है। इट डिक्लेयर्ड दैट इंडिगो प्रोटेक्शन वॉज नॉट प्रॉफिटेबल फॉर रैयत। कमीशन ने इस बात के बारे में भी गवर्नमेंट को रिपोर्ट दी कि जो इंडिगो कल्टीवेशन का सिस्टम है, इट वॉज नॉट प्रॉफिटेबल फॉर रैयत, रैयत को उसमें कोई भी प्रॉफिट नहीं हो रहा है और इसीलिए रैयत क्या कर रहे हैं, रिवॉल्ट कर रहे हैं। द कमीशन आस्क्स द रैयत टू फुलफिल देयर एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट बट ऑल्सो टोल्ड दैम दैट दे कुड रिफ्यूज टू प्रोड्यूस इंडिगो इन फ्यूचर। जो कमीशन था, इंडिगो कमीशन, इट आस्क्स द रैयत, इंडिगो कमीशन ने रैयत को ये बात कही कि अभी जो एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट है, अभी जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको कंप्लीट करो और उसके बाद में आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, आगे इंडिगो प्रोड्यूस करने से मना कर सकते हैं। अप टू हियर इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर।
So listen, everyone. Yes, sir. Yes, sir. It is now. Yes, it is already 9:31. Okay, so the time for this class is over. So I am going to stop this session. Okay, and we'll continue this in coming classes. Okay, so that's all for today's class. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir.